एक बार एक मामला आया अंग्रेजों की अदालत में, यह मैं दस्तावेज के आधार पर कह रहा हूं, जबलपुर के कोर्ट में एक अंग्रेजी सरकार के सामने मुकदमा आया था। एक बूढ़ी महिला, वो अपना चूल्हा जलाने के लिए जंगल से कुछ लकड़ी लाई और उसने लकड़ी लगा के अपनी रोटी बनाई। एक पुलिस ऑफिसर ने उसको पकड़ लिया कि तुमने जंगल से लकड़ी लाई, ये कानून के विरोध में है, जंगल से लकड़ी चुराना कानूनन अपराध है, उसमें जेल हो जाती है। तो उस महिला को पकड़कर जेल में ले गए। तो उस महिला ने क्या कहा था वो मैं आपको वैसे का वैसा ही सुनाता हूं, अंग्रेजों के दस्तावेज के आधार पर ये सारी बात कर रहा हूं। महिला कहती है कि अगर मैं अपने चूल्हे में लकड़ी जलाने के लिए जंगल से ना लाऊं तो अपनी रोटी बनाने के लिए दोनों हाथ जलाऊं क्या? और उस महिला ने हमारी आंखें खोली, माने हमारे जैसे लोगों की। वो महिला कहती है कि ठेकेदार करोड़ों टन लकड़ी काट कर ले जाता है, उसको खुली छूट है, और मैं रोटी बनाने के लिए अगर दो लकड़ी ले आई तो मुझे पुलिस की सजा है। ये कौन सा कानून अंग्रेजों ने बनाया है? दुर्भाग्य से ये कानून अंग्रेजों के जाने के 62 साल के बाद भी चल रहा है। साधारण गांव के गरीब लोग जंगल में अगर लकड़ियां उठा लाए तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग उनको जितना अत्याचार करते हैं आप सोच नहीं सकते। और